तो मैं हूं आशीष, स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा 3XO के एक ऐसे वेरिएंट के बारे में भाई, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। और भाई जिस भी वेरिएंट में वैल्यू फॉर मनी नाम जुड़ जाए ना, तो उसमें आपको जरूरत के सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। देखेंगे तो इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगा, ऑल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, काफ़ी बेहतरीन सा टच स्क्रीन वगैरह जैसे तमाम फीचर इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। और ये है भाई AX5 वेरिएंट से एक नीचे वाला वेरिएंट MX3 प्रो करके, और इसी वेरिएंट में आपको एक MX3 करके मिल जाएगा, जो कि आपको 50,000 रुपया कम में मिल जाएगी। पर आज हम जानेंगे कि जब आप 50,000 रुपया एक्स्ट्रा पे कर देते हैं इस MX3 प्रो के लिए, तो क्या कुछ फीचर वगैरह इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इस गाड़ी की अगर जो आप कीमत की बात करते हैं, तो 9,99,000 एक्सप्रोम कीमत में पड़ जाती है हमारे यूपी गोरखपुर में। अगर जो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो, तो यहाँ पे आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बात करते हैं इस MX3 प्रो वेरिएंट पे क्या कुछ फीचर वगैरह ऑफर किया गया है, उसके साथ साथ जो इसका MX3 वेरिएंट है उससे भी कंपेयर करते हुए चलेंगे। चाबी से शुरुआत करेंगे तो ऐसी कुछ दो चाबी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बटन को होल्ड करके रखते हैं, जो आपका बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। फ्लिप की दे दिया गया है भाई, और पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के फ्रंट फेसिया की बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश का ज़्यादातर यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है। बीच में आपको महिंद्रा का लोगो, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन सी हेडलैम्प यूनिट जो है वो देखने को मिल जाती है। और जब आप इसके MX3 वाले वेरिएंट में जाएंगे तो हैलोजन मिलेगा, और ये जो इंडिकेटर है ये आपको नीचे मिलेगी, DRL जो है वो ऊपर मिलता है। ग्रिल वगैरह की बात करते हैं तो मैट सन के साथ साथ सिल्वर स्विच का भी ध्यान रखा गया है, और काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगी। गाड़ी के साइड प्रोफाइल वगैरह की बात करते हैं तो साइड से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी निकल के आती है। टायर साइज की बात करते हैं तो 205/65/16 इंच के साथ नॉर्मल स्टील रिम मिल जाती है। तो MX3 से जब आप MX3 प्रो में आते हैं तो कुछ अलग तरीके की जो इसका व्हील कवर है वो देखने को मिल जाएगा। ऑल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ ABS CVD जो ब्रेकिंग से संबंधित फीचर होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लीनिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। ORVM की बात करेंगे तो ब्लैक कलर मिलेगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। ऊपर आपको कोई भी रूफ रेल वगैरह नहीं मिलेगी, ये है कि सनरूफ दे दिया गया है। रियर में आते हैं तो नॉर्मल एंटीना, और उसके बाद जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैंप जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको MX3 वेरिएंट में नहीं मिलेगा। यहीं आपके सामने देखिए MX3 खड़ी हुई है, इसमें व्हील कवर वगैरह जो है वो भी चेंज है MX3 प्रो के मुकाबले। उसके बाद जब आप इसके रियर में आते हैं ना MX3 वाले वेरिएंट में, तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैंप वगैरह जो है वो भी नहीं मिलता है। जब आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो बाहर में ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। उसके बाद रिफ्लेक्टर दोनों साइड मिल जाएगा, सिल्वर फिनिश के साथ आपको स्किड प्लेट जो है वो देखने को मिल जाती है। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, और 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक मीटर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 368 लीटर की काफ़ी बेहतरीन सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। 60 और 40 की स्प्लिट सीट मिल जाती है, जैसे मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, ये जो दोनों सीटें हैं इन्हें आप फोल्ड भी कर सकते हैं, और जब आप सीट फोल्ड कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। वाइपर डिफोगर वगैरह इस वेरिएंट में भी नहीं मिलेगा, और MX3 वेरिएंट में भी आपको वो सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं, पर यह है कि हाई मोटर स्टॉप लैंप जो है वो देखने को मिल जाता है। और तो कुछ बाहर नहीं छूट रहा है, अंदर बताते हैं भाई। जैसे हिसाब से 5 सीटर है, स्पेस वगैरह के साथ साथ फीचर वगैरह क्या कुछ देखने को मिल जाएगा। डोर की बात करेंगे, यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ डोर मिल जाएगा, मिरर अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, सीट पूरी फोल्ड होती है भाई, ऐसा नहीं कि आधी होती है, पूरी फोल्ड हो जाएगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, सीट को आप ऐसे अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। डुअल टोन मिलता है फैब्रिक की सीट। उसके बाद कंफर्ट वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छी है। लेग रूम हेडरूम भी आपको काफ़ी भर भर के दे दिया जाता है। यहाँ देखते हैं तो हेलोजन लाइट दोनों साइड ग्रे बंडल्स जो है वो देखने को मिल जाएगा, और ये रहा है इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ। और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2.3 वोल्ट मिल जाएगा, टाइप सी चार्जर, फोन अगर आप रख के चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी देखने को मिल जाती है इस गाड़ी में। और यहाँ देखते हैं तो एडजस्टेबल सीट बेल्ट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, 3 लोगों को भाई तो आप आराम से यहाँ बैठा सकते हैं, स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए फ्रंट में क्या कुछ दे दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS CVD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फील वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, जैसे तमाम सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। जब आप इसका फ्रंट वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे भी आपको डुअल टोन के साथ इसका डोर मिल जाएगा, चारों पावर विंडो पर। ये जो ड्राइवर साइड मिरर है इसे आप 1 टच अप 1 टच डाउन कर सकते हैं। सेफ्टी वगैरह को देखते हुए रिफ्लेक्टर दे दिया गया है। बोतल होल्डर के साथ साथ पेपर होल्डर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा।
सीट की बात करेंगे तो ना ही आपको MX 3 वेरिएंट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा और ना ही आपको MX 3 प्रो वेरिएंट में नॉर्मल सी मिलेगी। फैब्रिक का मिलेगा, फ्यूल फिलर कैप जो है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बोनट खोलना हो तो आप ऐसे इसका जो बोनट है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे बटन दी गई हैं। पहला हो गया हेडरूम का लेवलर, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई और लगाते हैं चाबी को, तो कोई भी पोस्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह नहीं मिलेगा। चाबी जब आप लगाते हैं काफ़ी बेहतरीन से सारे सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करेंगे तो टिल्ट बे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको वॉइस कमांड मिल जाएगा। म्यूट वगैरह करना चाहते हैं म्यूजिक को तो आप इसे म्यूट जो है वो कर सकते हैं। दूसरी साइड देखते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फ़ोन उठाने के काटने के सोर्स वगैरह में जाना हो तो आप यहीं से सोर्स वगैरह में जा सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कार प्ले के साथ सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। हाँ, ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। दूसरी साइड आपको वैलेटी मिरर मिल जाएगा, कोई भी हैलोजन लाइट वगैरह नहीं ऑफर की गई है। डे नाइट IRBM के साथ साथ सनग्लास होल्डर जो है वो भी आपको ऑफर कर दिया जाता है और यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट जो है वो ऑफर कर दी गई है। और ये रहा भाई जो लोगों की पहली पसंद आज के टाइम पे बन गई है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। वन टच करते हैं तो जो इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो ओपन हो जाता है। और ऐसा नहीं है भाई कि सनरूफ के नाम पे ऐसे दे दिया गया हो, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस जो है वो भी देखने को मिल जाता है। वन टच करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगा, देख सकते हैं। एंटी पिंच फीचर के साथ आता है और जो आप फ़ोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। अब नज़र डालते हैं इसके सेंटर पे, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी और नेविगेशन वगैरह जो है वो भी आप ऑन कर सकते हैं। कई सारे मीडिया हैंडल्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिल जाता है। टच रिस्पॉन्स वगैरह भाई काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी बटन दी गई हैं, आप यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन वगैरह कर सकते हैं। होम वगैरह पे जाना हो तो आप यहाँ से प्रेस करके सारे सिस्टम को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो पूरा पार्ट है भाई पूरा फुल तरीके से ग्लॉसी फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक अलग तरीके की यहाँ पे आपको थीम यूज की गई है, कहीं ना कहीं ये चीज काफी अच्छी लगती है। उसके बाद सेंटर में देखते हैं तो सिल्वर के साथ पॉइंट ऐसे इवेंट मिल जाएगा, हजार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। एक चीज भाई 3XO में हमको ये अच्छी लगती है कि हर गाड़ियों में देखते हैं ड्राइव मोड वगैरह तो आपको दे ही दिया जाता है, पर आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए स्टीयरिंग मोड जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो देखेंगे छपा हुआ है, इस बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो तीन मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट और कम्फर्ट। स्टीयरिंग को भी आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। अगर जो आप गाड़ी के साथ रेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो स्पोर्ट मोड लगा दीजिए, सिटी वगैरह में चलना चाहते हैं तो कंफर्ट मोड लगा दीजिए, और थोड़ा आप नॉर्मल ही चलाना चाहते हैं तो नॉर्मल मोड में लगा के गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं भाई। तो ये सारे AC के कंट्रोल्स हो गए और यहीं से आप फैन स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये सारे मोड्स हो गए तो आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो इस वेरिएंट से वायरलेस चार्जर जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक भी आप इस वेरिएंट में ले सकते हैं। नॉर्मल सा हैंडब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, स्टोरेज भी आपको ऑफर कर दिया जाता है, 2 cup होल्डर, और ये जो पूरा पार्ट है ग्लॉसी और सिल्वर का कॉम्बो जो है वो देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो देख सकते हैं ओवरऑल एक बेहतरीन सा पैकेज जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी नो डाउट हर जगह से काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छे खासे फीचर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी के इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में बता देते हैं। और इस गाड़ी में आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल में 2 इंजन मिलेगा जो कि टर्बो के साथ आता है। अगर जो आप पेट्रोल से डीजल में जाएंगे तो तकरीबन आपको 1,40,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। मैनुअल ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन इस 3XO में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल, और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और आज से इसका रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।